10 की साइंस कितना करेंगे और आपका जो एनसीईआरटी बुक है साइंस का जिसमें चैप्टर नंबर 10 में प्रकाश परावर्तन एंड अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ना है। इसी के पार्ट में हम लोग आज 15वां पार्ट की पढ़ाई करेंगे और आज के पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे आवर्धन। आज के पार्ट में क्या पढ़ाई करेंगे लोग आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। आवर्धन से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा भी आवर्धन का पॉइंट है जो न्यूमेरिकल बनाते समय हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा, वो भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ आवर्धन का एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धन का सूत्र निकाल के दिखाइए, तो वो भी हम निकालेंगे, निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे क्या, उत्तल दर्पण में आवर्धन का सूत्र, मतलब यही वाला क्वेश्चन अभी उत्तल दर्पण में भी हम आपको करके दिखाएंगे, आए समझे ना। तो हम अभी क्या क्या जानेंगे, आवर्धन, आवर्धन से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट, ठीक है ना, बहुत सारा पॉइंट, फिर कुछ क्वेश्चन। इसके बाद अवतल दर्पण में आवर्धन का सूत्र कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण में आवर्धन का सूत्र को कैसे निकालते हैं वो। और बहुत ईजी अभ्यास देखिएगा, एक बार नहीं आ जाएगा। तो कोई पूछेगा बताइए आवर्धन किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, आवर्धन किसे कहते हैं, एक नंबर बहुत ईजी, एक नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक ना, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यार हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। यार हुआ जी, इजी की इजी है, हमने भी याद हो गया ना, आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको एच से लिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जिसको एच से लिया के अनुपात को, अनुपात में बटन है जी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्लियर है, आगे बढ़े, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, अनुपात को आवर्धन। याद हो गया, याद हुआ ना, चलिए नेक्स्ट। अब इससे क्या क्या पॉइंट पूछा जाएगा, यदि आवर्धन का मान धनात्मक है, आवर्धन जो है धनात्मक है, तो बोलिएगा कि पृथ्वी में जो काल्पनिक आवासीय और सीधा है, ठीक है, काल्पनिक का मतलब ही आवासीय होता है, तो कभी भी आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो पृथ्वी में कैसा बन रहा होगा, तो काल्पनिक या आवासीय, साथ में सीधा, क्योंकि पहले ही बताए थे जो भी पृथ्वी में आवासीय था वो कैसा बनता है, सीधा। जैसे कह रहे हैं आवर्धन का मान +2 है, तो बताइए आपको जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बताइए वास्तविक है कि आभासी है, तो प्लस है ना, प्लस मतलब धनात्मक, अब धनात्मक का मतलब क्या होता है, आभासी। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, तो प्लस है ना, तो प्लस मतलब क्या, आभासी, आभासी मतलब क्या, सीधा, आए समझना, तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। क्लियर है, उसी प्रकार से जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब -, ठीक ना, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। आगे समझे, जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस में, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। जैसे यहां पर कहेगा कि आवर्धन -2 है, ठीक ना, आवर्धन क्या -2 है, तो बताइए प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, तो माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, सीधा या उल्टा, पहले ही बताया कि वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ये उल्टा प्रतिबिंब है। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग सब जानते हो कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी, सीधा बनता है और उल्टा भी, पता है ना, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं कि बनता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े ना, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, प्लस की माइनस दोनों का जी, क्यों, तो क्योंकि सर उसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। याद हो गया, अब पूछेंगे धनात्मक कब होगा, तो जब सर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, प्लस। जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो उसका आवर्धन क्या होगा, माइनस, माइनस का मतलब ऋणात्मक। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझा गया कि अवतल दर्पण का ये आवर्धन जो होगा धनात्मक और ऋणात्मक कब होगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में हम सब जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है प्रतिबिंब और आभासी, पता है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, तो अभी बताएं आभासी के लिए कैसा होता है आवर्धन, धनात्मक होता है ना, तो उत्तल दर्पण का धनात्मक, सॉरी उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, कोई दिक्कत। तो अवतल दर्पण का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, लेकिन उत्तल दर्पण का हमेशा कैसा होगा, आवर्धन धनात्मक होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आवर्धन का वैल्यू अगर एक आ रहा है या एक से, सॉरी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा देखिए आवर्धन का वैल्यू एक से ज्यादा, इसे देखिए एक से ज्यादा ना, ये माइनस है, कोई मत देखिए, अभी ये वैल्यू को देखिए, आवर्धन का मान जब एक से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगा। आगे सुनिए, आवर्धन का मान एक से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा होगा, ठीक है।
आवर्धन एक होगा, आवर्धन का मान एक होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की दोनों क्या होगा बराबर। वही यहाँ लिखा होगा जब आवर्धन एक से अधिक तो प्रतिबिंब जो वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा। जब आवर्धन क्या होगा एक होगा, आवर्धन क्या होगा एक होगा तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के क्या होगा बराबर होगा। ऐसे होना प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के क्या होगा बराबर होगा। और आवर्धन जब एक से छोटा होगा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा वस्तु से छोटा होगा। क्लियर है कि नहीं? इजी है जी। आवर्धन एक से बढ़ रहा प्रतिबिंब भी वस्तु से बढ़ रहा, ठीक है। आवर्धन एक के बराबर प्रतिबिंब भी वस्तु के बराबर, आवर्धन एक से छोटा प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा। इजी ट्रिक है ना? नहीं समझ आया? कोई दिक्कत इसमें इस पॉइंट में नहीं? चलिए एक ये भी होता है डिफ्रेशन की प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी का अनुपात को क्या बोलते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब दूरी को हम भी लिखते हैं, वस्तु दूरी को क्या लिखते हैं यू, पता है ना आपको? प्रतिबिंब दूरी को भी वस्तु दूरी को यू। तो आवर्धन बराबर क्या होता है ए बराबर माइनस बी बटा यू। कोई दिक्कत? आवर्धन बराबर क्या होता है माइनस बी बटा यू। तो ए बराबर माइनस बी बटा यू और ए बराबर एच एस बटा एच, तो एल एच एस बराबर तो आर एच एस भी तो बराबर हो जाएगा ना? हो गया तीनों क्या है फॉर्मूला। समझ आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोले थे ना कि कुछ क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि बताइए आवर्धन एम बराबर प्लस वन इसका क्या अर्थ है, एम बराबर प्लस वन इसका क्या अर्थ है, तभी पता है। वन का अर्थ क्या है प्रतिबिंब और वस्तु दोनों क्या होगा बराबर ना? पता है कि पता है एम बराबर वन, अभी प्लस को छोड़ दीजिए, प्लस को छोड़ दीजिए, एम बराबर वन एम आवर्धन को देना तो आवर्धन एम जो है वो वन है, इसका मतलब दोनों बराबर है वस्तु प्रतिबिंब दोनों बराबर। अब प्लस का मतलब क्या होता है? तो प्लस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है क्या काल्पनिक है और सीधा है। आगे समझे ना? उसी प्रकार सीखेगा कि आवर्धन जो है माइनस दो है इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? यही अर्थ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का दुगना है। क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का क्या है दुगना? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बस यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो उसी के अनुसार चेंज हो रहा है। नहीं अभी वन था तो बराबर हो गया, अब कर ये दो तो प्रतिबिंब जो वस्तु की क्या हो गया दुगना हो गया। आया समझ ना? और माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है वास्तविक बन रहा है। लिख लोगे अगर ऐसे ही लगेगा कि प्लस दो बटे तीन ये वैल्यू है आवर्धन का मान प्लस दो बटे तीन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की दो बटे तीन गुना है। नहीं जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की दो बटे तीन गुना है। कोई दिक्कत? और प्लस का अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या आभासी है। समझा रहा है? तो इसको किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि प्लस वन ही पूछेगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तब बता दोगे कोई कर? समझा रहा ना? अगर माइनस वन पूछेगा तो बोलेंगे क्या किसा प्रतिबिंब पूछा है वस्तु पूछा है बराबर है, लेकिन माइनस का मतलब प्लस है ना, प्लस क्या लिखेंगे माइनस, लेकिन माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि माइनस का मतलब पता है ना माइनस का मतलब क्या होता है वास्तविक और उल्टा। कोई कैसे जो आंसर किससे बन रहा है, इसी से बन रहा है जी, ये जो पॉइंट है उसी से ना। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अगर बन लोगे तो आपसे पूछा जाएगा बताइए आवर्धन, आवर्धन जो है ऐसा है चार बटे तीन गुण माइनस चार बटे तीन है, आवर्धन जो है माइनस चार बटे तीन है, इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब कि जो प्रतिबिंब है वस्तु की ऊंचाई का चार बटा तीन गुना है जी, प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई का चार बटा तीन गुना है, लेकिन माइनस का मतलब क्या है? माइनस का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक है। ऐसा सब उसको बता दी, उम्मीद आपको समझ में आ गया। आगे समझ में तो आप ऐसा से दो तीन क्वेश्चन फुट से बनाकर लिख लेना, हमें क्या बना के लिए है ना पॉइंट, और फुट से दो तीन को बनाकर लिख लोगे इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अवतल आवर्धन साबित करके दिखाना, आवर्धन का फॉर्मूला साबित करके दिखाना बहुत ईजी, बहुत ज्यादा ईजी है। कुछ नहीं करना, पहले एक अवतल दर्पण बनाना, माना ए में ऐसे क्या है एक अवतल दर्पण है जिसमें ए भी क्या है एक वस्तु है ना, तो वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है पता नहीं, पता कि सीधा से जाना मार्स क्या कर फोकस किया जाता है ना, पता है ना? और जो ध्रुव क्यों रहता है उतना ही डिग्री का कोण आता है क्या रहता है लौट जाता है ना, और दोनों जहां को मिला वही अपना प्रतिबिंब बन जाता है। ये पता ही नहीं पता आप लोगों को, पता है ना जी? तो चलिए ऐसा फिगर बना लिया, फिगर ये आप लोग फुट से बना लोगे, नहीं फुट से बना लोगे क्या किए, मतलब ये आपका दर्पण है ठीक ना, इसमें ये वस्तु जो है तो पहले क्या हुआ मान लीजिए ए पे ये सी है, तो जो ये सीधा होगा पांच हो जाएगा जी, और जो पी में आएगा पी में क्या होगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वही निकलेगा, तो वही पता है यहाँ पर किए हुए हैं। कोई दिक्कत? सुन आया है कि फिगर से आपको समझ आ गया तो बन जाएगा, तो वही यहाँ पर लिख दिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से ध्यान से देखिए जरा, किसी भी कि कोई भी गोलीय दर्पण आपके पास है और उसमें किसी भी चीज की दूरी का अपना तो कहां से ध्रुव से, कहां से ध्रुव से, ध्रुव के बाईं ओर जो भी दूरी होता है वो क्या होता है माइनस होता है, किसमें होता है माइनस में, ध्रुव के दाईं ओर क्या होता है
प्लस में ध्रुव के ऊपर प्लस ध्रुव के नीचे माइनस आर एस में। चलिए ठीक, तो यहां पर देखिए जरा कि ए बी वस्तु की ऊंचाई है ना, अब वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखा है, देखिए वस्तु की ऊंचाई को एच लिख नहीं, तो ए बी जो वस्तु की ऊंचाई ए बी है उसको क्या लिखे ऊपर प्लस की माइनस प्लस, यहाँ प्लस लिख सकते ना, तो प्लस लिखो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए नीचे ए बी एल एस बी एस ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है जी, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं एच एस लिखते हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखते हैं एच एस, एच एस लिखा ना, अब प्रतिबिंब नीचे है ऊपर है, नीचे नीचे लोग क्या लिखते हैं प्लस की माइनस माइनस, नीचे लोग क्या लिखते हैं माइनस लिखे माइनस। अब यहाँ देखिए पी बी वस्तु की दूरी है जी, पी बी लिखे वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी को क्या लिखते हैं यू ना, अब इधर प्लस की माइनस माइनस इधर क्या होता है माइनस होता है ना, आप लोग पता ना पहले का वीडियो आप देख चुके हो ना, पहले का वीडियो आप एक पहले सब वीडियो देख लीजिए आया समझ ना, तो आपको अच्छा से समझ आएगा, तेरा क्या होता है माइनस होता है ना, ये हो गया माइनस बोली कर नहीं ना, उस पर प्रतिबिंब दूरी क्या है पीवी डी एस है जी, है पीवी डी एस प्रतिबिंब दूरी, प्लस की माइनस इधर क्या होगा माइनस, तो माइनस भी होगा ना, प्रतिबिंब दूरी को लोग क्या लिखते हैं भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी को भी, अब ये क्या होगा माइनस होगा क्योंकि किधर बताया ना जी, नहीं उसी प्रकार फोकस दूरी पी है ना, किधर है इधर है ना जी, जो भी इधर होता है क्या होता है माइनस को दिखा, तो नहीं तब आपको ट्रिक क्या ना, दो बार त्रिभुज लिखे यहाँ पर एक ये त्रिभुज ए बी पी दिखा, ये दिखा ए बी पी और नीचे उसी तरह से दिखा, लेकिन दो को ध्यान से अच्छा खासा त्रिभुज बना हुआ नजर आएगा, एक ए बी पी उसी प्रकार से ए डैश बी डैश पी दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना, तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में हम लोग चलते हैं, तो क्या दिख रहा है इसमें कि ये को और ये को 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री होता है, ऊंचाई हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हो गया ना, कोई दिक्कत मतलब एंगल ए बी पी और एंगल ए एस बी एस पी दोनों क्या होगा 90 डिग्री कोई दिक्कत, अब ये को और ये को बराबर होगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन को और परावर्तन को क्या होता है बराबर होता है, बताया था ना जी परावर्तन के नियम है, ये आपतन को लेना ये परावर्तन को लेना, तो आपतन को परावर्तन को क्या होगा बराबर, मतलब एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए एस पी बी एस कोई दिक्कत, कहां से परावर्तन के नियम से, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वाले पढ़ भी कि जब भी किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो कोण समरूपता से कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या जाते हैं समरूप हो जाते हैं, इसको बोलते हैं समरूप, इसको क्या करते हैं हम लोग समरूप, अच्छा त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं संगतभुजा अनुपातिक होता है, तो हमको क्या लेके चलना है ऊंचाई लेके चलना जी, हमको ऊंचाई लेके चलना है और दूरी लेके चलना है ना, तो ऊंचाई मतलब एच एस जी, तो एच है जी एच से कौन है ए बी है ना, एच कौन है ए बी ना, तो यहां से जब हम लेंगे ए बी, देखिए ए बी क्यों नहीं ऊंचाई चल रहा ना, ऊंचाई ए बी इधर क्या लेना पड़ेगा ए एस बी एस लेना पड़ेगा ना, बोली कर अब हमको दूरी लेके चल रहा है, दूरी क्या है जी ये है ना जी पी बी ना, पी बी है ना, तो इसमें लेंगे क्या पी बी, इसमें क्या लेना पड़ेगा पी बी डैश बोली कर उसी को लिखते हैं बी पी और बी एस बी बोली कर ऐसे में क्यों लेके चले ये सुना यार, अच्छा हम ए पी ले सकते हैं नहीं ले सकते अभी नहीं ऐसे ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ ए पी से कोई मतलब है ए पी कुछ है जी, यहाँ एपी लेके कुछ आपको कुछ नजर आ रहा है कोई नाम है कोई नाम नहीं, लेकिन बीपीवी का नाम है वस्तु दूरी है ना, नहीं नाम है एवी का नाम है वस्तु ऊंचाई, पीवी डैश का नाम है प्रतिबिंब दूरी, ए डैश बी डैश का नाम है प्रतिबिंब ऊंचाई, नहीं इसमें लेके चले कोई दिक्कत, अब एवी का नाम यहाँ से पुट कीजिए एवी बराबर एच लिख दिया एच, ए डैश बी डैश बराबर ए माइनस एच डैश बी माइनस एच डैश, नहीं उसी प्रकार से बीपी बीपी यहाँ बीपी सर इतनी पीवी पीबी बीपी दूर एक तो बीपी कहता हूँ माइनस यू बी माइनस यू बी एस पी कोई दिक्कत है बस इसमें करना क्या है क्या कोई एक त्रिभुज ए बी पी में चलना है और इधर ए डैश बी डैश पी में चलना है नहीं अब बहुत दीजिए दो कोण बराबर हो गया ये दो कोण बराबर और ये दो कोण बराबर तो कौन कौन समरूपता से दो त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया ना और समरूप हो गया प्रूफ हो गया ऐसे ना बस आपको चिन्ह परिपाटी मालूम होना चाहिए तो उसी हिसाब से भाई यहां पर बैठेगा कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस होगा कौन बताएगा आपको चिन्ह परिपाटी आगे समझ रहे हैं तो ये तो था अवतल दर्पण की बात अब इसको साफ कर लेते हैं और साफ करके क्या दिखाएंगे उत्तर दर्पण जब हम इसको साफ कर ले उससे पहले आपको क्या करना है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर लोगे आप अपना नोट्स कॉपी बना लोगे ऐसे ना आप अच्छा खासा नोट्स बनकर क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा हर एक वीडियो में आपको नोट्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है
अरे मिलियन आपको नोट्स मिल रहा है ताकि आपको नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी भैया दीदी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप खुद से घर पे बैठे बैठे मेरा वीडियो देख करके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं यहाँ पर बन रहा है, हर एक सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, ठीक ना। तो कहीं पर आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस अरे पार्ट का आप क्या कीजिए, वीडियो देखते रहिए और उसका नोट्स कॉपी बनाते रहिए, फिर भी आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे आपको, और ठीक ना, और जो आपको दिक्कत होगा उसको हम क्या करेंगे, हर भी करेंगे, आया समझे ना, जैसे हो सके उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या आपको कोई सुझाव है तो सुझाव भी आप लिखिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर कॉपी भी बनाए हुए हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो हम आपको वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या, पहले ये सब नोट्स तो बना के रख लीजिए। चलिए अभी इसको साफ कर लेते, उम्मीद है आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लेंगे तभी समय आप साइड है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, साफ करके फिर हम उत्तर दर्पण में यही चीज हम साबित कर ले, दर्पण में आवर्धन सूत्र। तो सबसे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा अभी थोड़ा देर पहले लिए थे ना आप स्क्रीनशॉट, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी में बाद में लिख सको। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, अब ले लिए हैं तो चलिए इसको समझा भी देते हैं। तो कुछ करना नहीं है, ये उत्तल दर्पण में सर्च करा थी, उत्तल दर्पण बना लिया, बना लिया उत्तल दर्पण, एम एम डैस एम उत्तल दर्पण है, तो देखा एम एम डैस क्या है, उत्तल दर्पण है, इसके सामने एक प्रश्न लिया ए बी। अब इसका प्रतिबिंब बनाना था, पता जो सामने सीधा आता है वो कहां से जाता, फोकस पढ़े ना जी, पहले फोकस से जाते हुए नजर आता, जो वक्ता केंद्र की दिशा में आता है, जो वक्ता केंद्र की दिशा में आता है वो उसी राशि पर लौट जाता है, पता नहीं पता ये वक्ता केंद्र की दिशा में जाते हुए नजर आया इसी राशि पर क्या हो गया, लौट गया नहीं। और ये भी आपको पता है कि जो ध्रुव की दिशा में आता है तो उतना ही डिग्री का बराबर है इधर, ये आई ये आर, आपने कौन बराबर, कौन क्या होता है बराबर होता है ना, दोनों कौन बराबर होता है, इतना बनाते हुए एंगल क्या करता है गुजर जाता है नहीं, ये तीनों लाइन को आपस में आते हैं यहाँ पर काटा काटा ना, ये भी क्या बन गई प्रतिबिंब, कोई दिक्कत, हम लोग ऐसे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ये पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं, पहले जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इस टॉपिक पर हम एक वीडियो बना चुके हैं और वहां पर हम ये समझा चुके हैं, कोई दिक्कत, तो वहां पर अच्छे से वीडियो आपको ये वीडियो में ये समझा चुके हैं, फिगर ये समझा चुके हैं। अभी कोई इसका आवर्धन निकालना है, क्या निकालना है आवर्धन, तो चलिए आवर्धन निकालने के लिए चित परिपाटी चलिए, चित परिपाटी का शरीर जरा ये आपको ध्रुव है, ध्रुव से कोई भी दूरी नापते, ध्रुव से ये वस्तु दूरी है, ये इधर वस्तु है ना, वस्तु दूरी क्या होता है यू होता है, पता नहीं ऐसा चाहते मान से यहां मिल सकते, क्यों, क्योंकि जो ये बाएं साइड आता है दूरी, कोई भी दूरी बाएं साइड आता है वो क्या होता है माइनस, पता नहीं पता। अब इसी ध्रुव से इधर देखिए यहाँ पर भी होगा, ये प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब दूरी को क्या होते हैं भी, पता है आपको प्रतिबिंब दूरी को क्या होते हैं भी, कोई दिक्कत, ये वस्तु पूछा, ये वस्तु पूछा को बोलते हैं एच, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पर गंदा जाने का जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए वस्तु पूछा ए बी, ए बी को क्या लिखे एच, प्रतिबिंब पूछा ए डैस बी डैस, इसको क्या लिखा है एच डैस, कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से वस्तु पूछा ए बी, देखिए वस्तु इसको क्या लिखे एच, प्रतिबिंब क्या ए डैस बी डैस है ना, है ना ए डैस बी डैस, इसको क्या लिखिए एच डैस, वस्तु दूरी पी बी है ना, इसको क्या लिखिए माइनस यू, ठीक ना, प्रतिबिंब दूरी पी बी डैस है ना, इसको क्या लिखिए भी, ये माइनस में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सर ये यही साइड है ना, तो प्लस में होगा ऐसा है ना, ये दोनों ऊंचाई ऊपर है जी, वस्तु ऊंचाई ऊपर है तो प्लस, प्रतिबिंब ऊंचाई ऊपर है तो प्लस, कोई दिक्कत, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझना चुका यहाँ तक, अब बस ये फिगर भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी फिगर है, कुछ नहीं है, उत्तर दर्पण बना लीजिएगा, एक वस्तु बना लीजिएगा, यहाँ से क्लियर से क्या जैसे गुजरेगा, इसको मिलाएंगे तो फोकस से मिलेगा, ठीक है, जो वक्ता केंद्र की दिशा में वही गुजर जाएगा, इसको मिलाएंगे तो वक्ता केंद्र को जाकर छुएगा नहीं, एक ध्रुव की दिशा जो आ रहा है वो नई डिग्री का कोण निकल रहा है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज, देखिए कौन सा त्रिभुज चलते, ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी पी, ये वाला त्रिभुज और इधर भी ऐसा दिख रहा है ए एस बी एस पी, दोनों तरफ एक जैसा त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है त्रिभुज ए बी पी और ए एस बी एस पी में चलेंगे, तो ये दोनों में चलना दिख रहा है क्या, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री समकोण है ना जी, ऊंचाई होता है वो समकोण पे होता है, ये कोण क्या होगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एंगल ए पी बी और एंगल ए एस पी बी एस दोनों बराबर होगा कैसे सर, तो ध्यान से देखिए ये कोण बराबर है, परावर्तक के नियम से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ए पी बी और बी पी बी बराबर होगा परावर्तक के नियम से जी, नहीं होगा परावर्तक के नियम से बराबर। अब उसी प्रकार से एंगल ए डैस पी बी डैस और डी पी बी दोनों शीर्षक विमुख कोण है, ऐसा होता है ऐसा जब भी लगा तो क्या बोलेगा शीर्षक विमुख कोण, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपको, नहीं दिख रहा ये कोण और ये कोण दिख रहा है,
तो सीसा रिमूव करो, अब जब ये दोनों आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा बराबर होगा ना, एलएचएस भी क्या होगा बराबर, ये चीज तो यहां पर लिखे हैं एबीबी एएसबी भी है, सॉरी कर, अब जब दो कोण बराबर तो कोण कोण समरूप से गुणनफल क्या हो गया समरूप, अब जब समरूप हो गया तो ऊंचाई लेके चलना है जी, क्या लेके चलना है ऊंचाई ना, इसका ऊंचाई ए बी है तो इसका ऊंचाई ए बी ले लिया हमने बड़ी कर, तो ए बी लिया यहां पर क्या लेना पड़ेगा एएस बड़ी कर, अब वो डिस्टेंस लेके चलना है, डिस्टेंस क्या बीपी बीपी बोलो या पीबी बोलो बड़ी कर, यहां पर बीपी लिया है ये वाला तेरा क्या लगेगा बी एस पी बड़ी कर, अब वैल्यू पुट कीजिए ए बी कितना आपको दिख रहा है एच ले लिया एस बी एस एच एस ले लिया बीपी बीपी यही है जी पीबी या बीपी यही है माइनस यू ले लिया माइनस यू बी एस पी यही है बी ले लिया बी, अब हमको करना क्या है तो पहले आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर होता है अब वस्तु की ऊंचाई नीचे पर है आवर्धन, अभी थोड़े पहले पढ़ा था आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या बोलते हैं आवर्धन, तो ऊपर होना चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर प्रतिबिंब ऊंचाई कहाँ पर दिख रहा है नीचे ना, इसको उलट दे इसको उलट दे ना इसको उलट दीजिए उलट दे ये ऊपर चलेगा ये नीचे ये भी ऊपर ये नीचे ये हो गया ना, अब इसी को तो बोलते हैं आवर्धन, इसी को बोलते हैं आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या बोलते हैं आवर्धन, या फिर प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं आवर्धन, इस प्रकार से आवर्धन सूत्र जो है अवतल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में क्या हो गया साबित हो गया, आवर्धन क्या होता है वो भी आप जान लिए, आवर्धन से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जान लिए, और इस तरह से बता रहे कि मान लीजिए ऐसा आवर्धन का मान ये है तो बताइए प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, तो माइनस का मतलब क्या होता है तो माइनस का मतलब होता है क्या आपका वास्तविक, माइनस मतलब वास्तविक और उल्टा ऐसा ना बोली कर, अगर प्लस है अगर मान लीजिए प्लस है तो इसका मतलब क्या होता है प्लस का मतलब होता है आभासी, जिसको होते हैं काल्पनिक, क्या होते हैं काल्पनिक और सीधा को लिखकर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा ऋणात्मक की धनात्मक तो दोनों होगा, क्यों क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है सीधा भी बनता है आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, ठीक है उत्तर में हमेशा क्या होगा उत्तर में हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा क्योंकि उसमें क्या बनता है प्रतिबिंब सीधा बनता है आभासी बनता है, आगे समझो ना इसका मतलब दो का मतलब क्या है दो का मतलब की प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई की क्या है दुगुनी है, प्लस का मतलब क्या है आभासी है, आगे समझो ना तो ऐसा देखा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई क्या है तीन बटा पांच गुना है और प्लस का अर्थ क्या है प्रतिबिंब ऊंचाई आभासी है, बोली कर तीस तरीके से आप लोग आंसर दे दोगे, इसके बाद अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, उत्तल दर्पण में भी आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, इजी है बस ये दो त्रिभुज में चलना है दोनों समरूप प्रूफ कर देना अपने आप प्रूफ हो जाएगा, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है इसी का अगला पार्ट लेकर, अभी बहुत इससे बाकी रह गया अभी प्रावर्तन ही चला अब वर्तन भी शुरू करना बाकी ही है, तो अभी इसी का अगला पार्ट मिलेंगे इसी का अगला पार्ट लेकर, तो इतना ही रहने दें।